हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? दिल्ली वाले राम लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए है चने की दाल, और ये मैंने ली है 2/3 कप। मूंग की दाल मैंने ली है 1/2 कप, और उड़द की दाल मैंने ली है 1/4 कप। इन तीनों दालों को हम एक साथ भिगो देंगे। ये मैंने ओवरनाइट सोक करके रख ली थी दाल, और ये देखिए इतनी फूली फूली सी हो गई हैं। अब हम इनको एक साथ पीस लेंगे। हमें इसका थोड़ा सा हम इसको दरदरा रखेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम इसका। और ये देखिए मैंने सारी दाल एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दी है। सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अदरक का टुकड़ा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, और अब हम इसका कैप लगा देंगे और इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पीसूंगी, जिससे हमारी दाल अच्छे से पिस जाएगी। बहुत ज़्यादा हम इसे बारीक नहीं करेंगे। ये देखिए दाल हमारी पिस चुकी है, अच्छे से हमने दाल को पीस लिया है। और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, और अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी, जिससे ये बहुत ही फ्लफ़ी बनके तैयार होती है। और हमारे राम लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल एकदम जो हम दिल्ली में लाजपत में जो हम खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे राम लड्डू तैयार होते हैं। ये देखिए दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है बीट करते करते। और अब मैं इस स्टेज पे इसको रोक दूंगी और मैं ये निकाल देती हूँ। अब देखिए बिल्कुल इतनी लाइट हो गई है ये दाल, मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम दाल इतनी फ्लफ़ी हो जाती है कि ऊपर ही तैरने लगती है पानी के ऊपर। तो इस स्टेज पे हम अब इसके राम लड्डू बनाने शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को हम थोड़ा थोड़ा लेके ऐसी शेप देकर ऑयल में हम डालेंगे, और अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में, और बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती है। बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए अब मैं इसको पलट दूंगी, दूसरी साइड से भी इसको मैं सेक लूंगी। देखिए हमारे राम लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और मैं एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लूँगी, जितना भी एक्सेस ऑयल है इसमें आ जाएगा। और ये देखिए मैंने सारे ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सर्व करते हैं। मैं इसमें एक बोल में इसको ले लूँगी, और इसके ऊपर मैं डालूँगी ये ग्रेट करी हुई मूली, और ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी हरे धनिए की चटनी। वैसे ये मूली के पत्तों की ही चटनी इसमें बनती है, लेकिन मैं इसमें हरे धनिए की चटनी डाल रही हूँ। और अब इसके मीठी सौंठ डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।